Hello friends in this video we'll talk about T S Eliot one of the famous writer of modern age and this is our third video on T S Eliot so please watch my last video so that you can understand T S Eliot better Let's talk about T. S. Eliot. Ek kar lete uh, he was born in 1888 and he was died in 1965. And he was born in America and settled in England. And he was the editor of Faber and Faber Company. And he was linked with Hinduism, Christianity, and Buddhism. Real name of T. S. Eliot is Thomas Stearns Eliot. तो ये एक रिवीजन है लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको एक वीडियो में सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए और लास्ट वीडियो, डिटेल के लिए लास्ट वीडियो ज़रूर देखें जो थ्री जॉनरास में लिखते थे पोयम ड्रामा एंड क्रिटिकल एसेस और एपिग्राफ लिखा है इन्होंने बहुत फेमस एपिग्राफ है इनका इन माई एंड इज़ माई बिगनिंग एंड द फर्स्ट वर्क ऑफ टी एस ईलियट इज़ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रड प्रूफ्रॉक एंड द नेक्स्ट वर्क इज पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हैं जेम्स का नावल जो है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी सेम टाइटल टी एस इलियट ने भी रखा है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड द नेक्स्ट वर्क इज गांशन द नेक्स्ट वर्क इज गशन तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेस्ट लैंड हम कल की वीडियो में करेंगे क्योंकि एक डिटेल वीडियो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट लैंड टी एस ईलिएट का वर्क तो so कल की वीडियो में हम वेस्टलैंड करेंगे द नेक्स्ट इज द होलो मैन हमने कल की वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिया था और द होलो मैन एंड स्विग्ने एग्नोस्टिस ये भी एक कल की वीडियो में हो गया है एश वेडनेसडे इज ऑल्सो कम्प्लीटेड इन आर लास्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट वन इज़ द रॉक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड इन अर लास्ट वीडियो मर्डर इन द कैथीड्रल इज ऑल्सो कम्प्लीटेड तो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम फैमिली रीयूनियन आज हम करेंगे कहाँ से शुरू फैमिली रीयूनियन से हम शुरू करेंगे फैमिली रीयूनियन टी ए सिलट का वर्क है एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन थर्टी नाइन में और ये ब्लैंक वर्स प्ले है यू हैफ टू रिमेंबर दिस ब्लैंक वर्स प्ले है एंड इट इज अबाउट हीरो जर्नी फ्रॉम गिल्ट टू रिडम्पन ये एक हीरो की जर्नी है कहाँ से गिल्ड से ले कर रिडम्शन पाप मुक्ति तक ओके एंड इट इज एन ओकेशन वेन मैनी मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली कॉन्ग्रीगेट फैमिली रियन की बात हो रही है ना तो एकत्र होते हैं सारे के सारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसा ओकेशन है इस फैमिली के लिए तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है फैमिली री ओके तो एक्सटेंडेड जो फैमिली एक्सटेंडेड मतलब इधर उधर रहने वाली जो फैमिलीज होती है ना है मेंबर इधर के लेकिन रह रहे हैं बहुत दूर दूर तो एक्सटेंडेड फैमिलीज बोलते हैं उनको तो वो सारे मेंबर्स एक जगह इकट्ठे होते, है, मतलब होते हैं कॉन्ग्रीगेट मतलब एकत्र होते हैं सबके सब तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईज़ के पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है द क्वेश्चन इज फैमिली री इज ए प्ले बाय तो बहुत ईजी है फैमिली री इज ए प्ले बाय अब तो आप सारे आंसर दे सकते हैं इसका आंसर इज टी एस इलियट प्ले बाय टी एस इलियट तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ जाते हैं द नेक्स्ट वर्क इज ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स अब बिल्लियाँ बहुत पसंद थी टी एस इलियट को द ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन थर्टी नाइन एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स तो ये एक पोएम्स का कलेक्शन है ये आपको रखना याद रखना है क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर्स के पेपर में कौन सा रखा है राइटर का नाम दिया गया है एसोसिएटेड टर्म्स पूछे गए हैं तो एसोसिएटेड टर्म्स मतलब इन्होंने एक नया टर्म दिया है ना ओल्ड पॉसम ओके तो प्रैक्टिकल बुक है ये एक किसके ऊपर कैट्स के ऊपर तो आपको याद रखना है टी एस इलियट ने नाम दिया है ओल्ड पॉसम तो आ, आपको मैच करना है एसोसिएटेड टर्म जब पूछा जाए राइटर और आ, लिस्ट में दिया गया हो ओल्ड पॉसम तो आपको टी एस एलियट को मैच करना है ओल्ड पॉसम के साथ एंड ही इज़ आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द वर्क ही हैज़ रिटर्न तो उसे क्यों बोला जाता है ये चीज़ क्योंकि उन्होंने ये वर्क लिखा है जो कैट्स के ऊपर एक प्रैक्टिकल कैच उन्होंने कैट उन्होंने लिखा है तो उस वर्क के थ्रू उनको ये बात बोली जाती है द नेक्स्ट इज़ फॉर क्वार्टेट्स नेक्स्ट इज़ फोर क्वार्टर्स मतलब चार चौकड़ी हिंदी में द फोर क्वार्टर्स नाइनटीन फोर्टी फाइव में पब्लिश हुआ था ये इट इज़ पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड इट इज़ सेट ऑफ फोर पोएम्स इसमें फ़ोर पोएम्स है विच आर पब्लिश्ड ओवर सिक्स ईयर्स तो चार पोएम्स इन्होंने लिखे हैं छः साल तक उनको धीरे धीरे पब्लिश करते रहे टी एस एलियट एंड दिस आर फोर इंटरलिंक्ट मेडिटेशंस तो इंटरलिंक है एक के साथ दूसरा जो पोयम है विद द कॉमन थीम बीइंग मैंस रिलेशनशिप विद द टाइम तो चारों में कॉमन थीम क्या है चारों पोयम्स में रिलेशनशिप मैं रिलेशनशिप विद द टाइम द यूनिवर्स के साथ उसका वक्त के साथ मैन का रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ मैन का रिलेशनशिप एंड द डिवाइन डिवाइन मतलब दिव्य चीज़ों के साथ इंसान का जो रिश्ता है उसके ऊपर टी एस लेट इन चारों ही राइटिंग्स में बात करते हैं एंड द रोज इसमें एक टर्म बार बार आ रहा है द रोज सिम्बलाइजेस री बर्थ एज फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग टाइम तो जैसे फ्लावर्स मुरझा जाते हैं ना बाकी स्प्रिंग टाइम में एकदम वो फिर से खिलते हैं तो वैसे ही रीबर्थ की बात होती है रोज सिम्बलाइजेस रीबर्थ एज फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग टाइम एंड रोज इज़ आल्सो ए ट्रेडिशनल सिम्बल ऑफ इंग्लिश रॉयल्टी रॉयल्टी के लिए एक ट्रेडिशनल सिंबल भी माना जाता है कि इसको रोज़ को तो राजा महाराजा गुलाब लेके घूमते ना गुलाब का फूल तो रॉयल्टी मतलब बहुत ही शान शौकत के लिए भी इसको माना जाता है तो दे नेक्स्ट इसके फोर पोएम्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं बर्ड बंट नोटन बंट नोटन ईस्ट क्कर लिटिल गिडिंग्स द ड्राई सैंडविचेस द ड्राई सैंडविजेस तो यू हैव टू रिमेंबर द फोर पोएम्स विच आर इन फोर क्वाटेट्स ओके यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर्स के पेपर में अब आपको आंसर करना है पुट द फोर पार्ट्स ऑफ कॉटेड्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अब देखो ये ना आपको सीक्वेंस में भी याद रखना है वरना फंस जाओगे एग्जाम में तो सीक्वेंस इसका याद रखना है फर्स्ट है बर्न नोटन द नेक्स्ट इज ईस्ट कुकर द नेक्स्ट इज लिटिल गिडिंग्स थर्ड पे है एंड द ड्राई सैंडविजेस ये किस पे है सॉरी लिटिल गिडिंग फोर्थ पे है ये रॉन्ग मैंने प्रिंट कर दिया ड्राई सैंडविजेस इज ऑन थर्ड एंड लिटिल गिडिंग इज ऑन द फोर्थ वो लिट इज द फोर्थ पोयम ओके तो आपको ये सिक्वेंशुल करना है फर्स्ट बर्ड नॉटन नेक्स्ट इज ईस्ट कुकर द थर्ड वन इज ड्राई सैंडविजेस द नेक्स्ट इज लिटिल गिडिंग्स तो ये आपको सही सिक्वेंस में लिखने हैं द नेक्स्ट वर्क इज नेक्स्ट वर्क इज़ बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की तो नेक्स्ट वर्क है कॉकटेल तो इसमें आपको फोर क्वार्टेंट्स के चारों पोइम्स याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं टी एस इलियट के आज हम इनके वर्क्स कंप्लीट कर लेंगे ताकि कल के वीडियो में हम सिर्फ वेस्टलैंड उनका जो है वो कम्प्लीट करें उसके बाद में नेक्स्ट राइटर की तरफ जाएंगे क्योंकि फोर वीडियोज़ हो जाएगी टी एस इलियट की तो मोर देन इनफ मैं चाहती थी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो लेकिन फोर तो बनानी पड़ी क्योंकि बीस मिनट पच्चीस मिनट से ज़्यादा मैं वीडियोस का टाइम आपको नहीं देना चाहती क्योंकि आपके लिए इतना ही एक बीस मिनट की वीडियो में जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो दो तीन घंटे का मटेरियल है तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा नहीं इतना जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट है उतना ही दे रही हूँ और मोर देन इनफ है बीस मिनट ही एक बच्चे को पढ़ने वाले बच्चे को इतना ही टाइम वो यूट्यूब पे दे सकता है बाकी उसको याद भी करना होता है तो इसी जो आपके मैं वीडियोज बार बार बोलती हूँ कि आप इजिली क्रैक कर लोगे बस बीस मिनट एक दिन के एक ज़रूर निकालें वीडियोज़ के लिए तो आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पर तो प्लीज़ ज़रूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब भी देखें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक जरूर किया करें शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में जुड़ें क्योंकि एक ही जो मोटिव लेके अगर हम सारे के सारे आपस में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना कि कारवा बनेगा तो इसीलिए ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें शेयर कर लें और लाइक जब भी देखें जरूर करें कमेंट भी ज़रूर करें तो स्टार्ट करते हैं द कॉकटेल पार्टी तो देखा होगा कॉकटेल पार्टी काकटेल पार्टी टीवीज़ में दिखाते हैं ना कॉकटेल पार्टी एंड इट वाज पब्लिश इन 1949 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ ए वर्स ड्रामा इन थ्री एक्ट्स तो थ्री एक्ट्स है वर्स ड्रामा है ये एंड इट इज़ ए ड्राइंग रूम कॉमेडी तो ड्राइंग रूम कॉमेडी है भैया मजाक चल रहा है वो इसमें क्या है कॉकटेल पार्टी चलती है फर्स्ट एक्ट में भी थर्ड एक्ट में भी तो बंदा शौकीन है कॉकटेल पार्टी देने का इट इज़ बेस्ड ऑन एल सैटीज रिटर्न बाई यूरिपिडस जो क्लासिकल राइटर है इनको भी करेंगे हम क्लासिकल राइटर्स भी करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे राइटर्स मिलेंगे जो भी आपने कभी सुने भी होंगे तो ये क्लासिकल राइटर्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बहुत बार आ जाते हैं तो इनको भी हम डिटेल में करेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन अल्सेटिस रिटर्न बाय यूरिपडस जो क्लासिकल राइटर है उसके ऊपर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है एंड इट फोकस ऑन द प्रॉब्लम कपल फेसिंग तो कौन सी कौन सी प्रॉब्लम कपल का नाम है एडवर्ड एंड लेविनिया एडवर्ड एंड लेविनिया कैम्बलेन तो फेसिंग एंड हु आर सेपरेटेड आफ्टर फाइव इयर्स मैरिज तो बाद में पाँच साल की शादी के बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनके बीच में डिस्प्यूट रहने लग जाती है कॉकटेल पार्टियाँ उनके घर में चलती रहती है तो उनका ड्राॅइंग रूम इशूज दिखाया गया है इसमें एक कॉमेडी है ये ओके okay, तो ये आपको याद रखना है द नेक्स्ट इज ये कहाँ से लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल सटीस जो लिखी थी यूरिपडस ने क्लासिकल राइटर ने वहाँ से इसका कंटेंट लिया गया है द नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क द नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क तो इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री में पब्लिश हुआ था एंड इट इज ए कॉमिक वर्ड्स प्ले है ये क्या है कॉमिक वर्ड्स प्ले एंड आल्सो ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ड्राॅइंग रूम कॉमेडी तो ये भी बहुत ड्राॅइंग रूम कॉमेडी है जैसे कि कॉकटेल पार्टी है एंड इन दिस सल क्लूड मलहम्हार ए वेल्थी इंटरप्रिन्योर डिसाइड टू स्मगल हीज इजिटि इलिजिटिमेट सन कॉब्ले इन टू द हाउस होल्ड बाय इम्प्लॉइंग हीम एज इज कॉन्फिडेंशियल क्लर्क तो अपने ही बेटी को इलिजिटिमेट सन को यहाँ पे जॉब देते हैं एज ए कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इसमें तो ये कॉमिक वर्ड्स प्ले है तो आपको याद रखना है कॉन्फिडेंशियल प्ले द नेक्स्ट इज द एल्डर स्टेटमेंट द एल्डर स्टेट्समैन आज हम इतना ही करेंगे द एल्डर स्टेट्समैन कल के वीडियो में वेस्टलैंड स्टार्ट करेंगे सारे जो टी एस एलियट के इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं सिर्फ एक वेस्टलैंड बसता है जो कल हम कंप्लीट कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं एल्डर स्टेट्समैन एंड इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन में ये पब्लिश हुआ था एंड दिस इज़ द लास्ट प्ले ये लास्ट प्ले है किसका टी एस एलियट का जैसे मैंने बताया नाइनटीन फिफ्टी नाइन में पब्लिश हुआ है तो ये आप ये मत समझना कि वेस्टलैंड लास्ट है वेस्टलैंड मैंने इसीलिए फोर्थ नंबर पे रखा था क्योंकि वो 1922 में पब्लिश किया था टी एस इलियट ने और ये कब हुआ है 1959 में पब्लिश हुआ है तो आपको याद रखना है प्लॉट है इसका देर इज़ ए मैन लॉर्ड कैलवर्टन जो हीरो है इसके लॉर्ड कैलवर्टन हु इज ए कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर है एंड ही कंफर्ट्स हिज ओन पास्ट वेन ही इज़ टॉकिंग विथ हिज डॉटर तो अपने ही ओन पास्ट को अपने ही बा पास्ट को वो अपनी यादों को अपने डॉटर को बताते हैं इसमें अब बात करते हुए अपनी बेटी के साथ बात करते हुए एंड थीम इज डिसनेस्टी इसमें थीम क्या है डिसनेस्टी का थीम है टू वर्स वन सेल्फ इज द वर्स्ट पॉलिसी तो थीम ये बहुत ही अच्छा है थीम इज डिसनेस्टी टू वर्ड्स वन सेल्फ इज द वर्स्ट पॉलिसी तो अपने ही तरफ हमेशा हमें कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए ईमानदार रहना चाहिए खुद के लिए तो ईमानदार रहना चाहिए दूसरों के लिए तो बेईमान होते ही है दुनिया लेकिन खुद के लिए ईमानदार रहो अगर खुद के लिए ही बेईमान हो तो उससे गलत कुछ भी नहीं है सबसे वर्स्ट पॉलिसी है ये लाइफ की तो ये था आज हमारे टी एस सीलिएट की सारी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है मतलब सारे जो उनके राइटिंग्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं और कल के वीडियो में वेस्टलैंड करेंगे उसके बाद में टी एस सीलिएट हमारा फिनिश हो जाएगा आगे के राइटिंग राइटर्स हम कल के वीडियो परसों के वीडियो से स्टार्ट कर देंगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें जब भी देखें वीडियोस लाइक ज़रूर करनी है शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा और डाउट तो हो तो कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को भी पॉज करके एक एक स्लाइड्स को जरूर ज़रूर जरूर आपको पढ़ना है ऐसे ही इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एक बार आपने सुन लिया एक बार आपने पढ़ लिया तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत लंबे समय तक रहता है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कभी भी मटेरियल उसी पे अपलोड होगा जब भी वक्त मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपका सारा मटेरियल इससे रिलेटेड नेट से आप जे से सारा मटेरियल आपको उधर ही मिलेगा थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए ग्रेट डे